सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल दिस योर फ्रेंड ब्लॉगर भाई। दोस्तों आज के व्लॉग में आपको फिर से लेकर आया हूँ खुशबू ऑटोमोटिव ऑटो रीस्टाइल, जहाँ पे कि आज हम अपनी गाड़ी की जो है रूफ़ ब्लैक करने वाले हैं। कई लोगों के कमेंट्स थे, कई लोगों के कमेंट आ रहे थे भाइयों की अपनी गाड़ी की रूफ़ ब्लैक करा लो। और सही में रूफ़ ब्लैक करा के थोड़ा ना टेक्सचर भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके जितने भी साइड मिरर हो गए वो भी ग्लॉस में है, साइड बीडिंग होगी वो भी पूरी ब्लैक ग्लॉस में है, छत जो है अगर ब्लैक करेंगे तो कई हद तक जो है छत इसकी काफ़ी हद तक जो है मैच भी करेगी और अच्छी भी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रूफ़ ब्लैक। सबसे पहला पार्ट क्या है, अपनी गाड़ी की वॉशिंग, क्योंकि अभी तो हम बताइए हमारा भाई बाहर से आया उत्तराखंड से, तो उस टाइम पे गाड़ी की और की हालत बहुत ज़्यादा गंदी, तो पहले करेंगे हम गाड़ी को वॉश। सो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट है कि अपनी गाड़ी को प्रॉपरली जो है वॉश करना, क्योंकि इस टाइम पर गाड़ी की हालत आप चेक कर लो बहुत ही ज़्यादा जो है मिट्टी हो रखी है, देख रहे हो कितनी मिट्टी हो रही है, ये पूरी मिट्टी हो रखी है गाड़ी, जिस बिकॉज ऑफ बाहर से भी हम आए हैं तो इतना मिट्टी होना तो चलो लाजमी ही था। चलो पहला स्टेप है गाड़ी को पूरी तरह वॉश कर लेना और उसके बाद हम इसकी जो है रूफ़ को करेंगे पूरा प्रॉपरली रैप, ठीक है भाइयों। चलो स्टार्ट करते हैं इसकी रैपिंग का प्रोसेस। पर एक चीज़ और बताऊंगा इसी वीडियो में, इसका स्पॉइलर भी मैं अभी निकलवा रहा हूँ ताकि इसका स्पॉइलर भी हो जाएगा यहाँ पेंट, और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक मेरे ख्याल से स्पॉइलर अपना रेडी भी हो चुका होगा। चलो तो रैप करने से पहले जो है हमारे जितने भी होल्स हैं, चाहे तो हमारी ब्रेक लाइट निकली हुई है और ऊपर के जितने भी होल्स हो रखे हैं हमारे स्पॉइलर के लिए, भैया उसको जो है यहाँ रैप करके बेसिकली टेप लगा के उसको जो है कवर कर रहे हैं, और टेप भी जो है रैप यूज़ कर रहे हैं एविडेंशन की, पूरी ट्रैप लगा के उसको जो है कवर कर रहे हैं, जिससे कि जहाँ पे भी पॉइंट्स है पानी ना जाए कहीं पर भी ऐसे एरिया में जहाँ पानी नहीं जाना चाहिए। सो यहाँ पर पहले वॉशिंग का पार्ट अपना हो गया स्टार्ट भाई, हम गाड़ी का जो वॉश होनी थी अपनी वो होनी है तो वॉश हो गई स्टार्ट, उसके बाद हम करेंगे इसकी रूफ पे भी काम पूरा, तो क्योंकि मैंने कहा यार गाड़ी होती गंदी बहुत, वॉश भी हो जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि यार वॉश करे बिना रैप करेंगे ना तो मज़ा ही नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम रूफ़ ब्लैक कर रहे हैं। गाड़ी के ऊपर अच्छी खासी सीमेंट वगैरह गिरी हुई थी जैसा आप लोगों को पता ही है, वो भैया ने भी सारी बड़ी मेहनत करके जो है निकाली है ताकि गाड़ी में स्क्रैचेस भी ना आएँ और सीमेंट भी जो है ईजिली निकल जाए, पानी मार के पेट्रोल से पूरी स्क्रैच भैया पूरी की पूरी जो है सीमेंट वगैरह भैया निकाल दिए, और साइड में भैया बता रहे हैं यहाँ पे तारकोल भी जो है लगा हुआ है गाड़ी पे। अब गाड़ी यार हाईवे पे चलती तो काफ़ी चीज़ें चिपकती रहती है, तो तारकोल वगैरह यहाँ पे गाड़ी पे अपनी लगा हुआ है, तो उसको भी करेंगे प्लान हटाने का, तसल्ली से कोई जल्दी नहीं है, लगने दो, वो भी अपना कंटेंट है, उसको भी आपको दिखाएंगे कि तारकोल लगना है तो कैसे हटाना, ठीक है ना भाई, टेंशन ना लेनी। चलो सो रैप का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको जो है अपने ये रूफ़ का एंटीना वाला पार्ट है इसको जो है यहाँ से करना पड़ेगा रिमूव, क्योंकि जो है एंटीना मैंने अंदर ही लगवा लिया है, जो है पूरी हमारी छत जो है रैप यहाँ पे इजीली हो जाएगी, और ग्लॉस में ही करवा रहा हूँ क्योंकि जो है इसके साइड मिरर हो गया, साइड बीडिंग हो गई, चाहे तो उसके फ्रंट का हो गया, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लॉस इसके अंदर ऑलरेडी है, तो रूफ़ भी ग्लॉस में ही जाएगी, मैट में मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक कहीं से भी जो है जा सकती है, तो रूफ़ जो है ग्लॉस ब्लैक में यहाँ पर जो है इसकी अच्छी लगेगी। सो यहाँ पर रूफ़ ब्लैक करने से पहले मैं कुंदन भैया से पूछता हूँ, कुंदन भैया कैसे हो आप? बढ़िया। चलो हम यहाँ पे अपनी गाड़ी के जो है रूफ़ ब्लैक कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ग्लॉस ब्लैक में, ग्लॉस ब्लैक में इसलिए कर रहे हैं ताकि, क्योंकि इसके जो काफ़ी सारे पार्ट है, चाहे तो ये वाला हो गया, साइड मिरर हो गया, हाँ तो ये इनके साथ ग्लॉस में ही जाएगा ना, तो रूफ़ ब्लैक करने से पहले पहला पार्ट क्या होता है, पहले सबसे पहला पार्ट क्या रहता है हमारा, हम सबसे पहले हम गाड़ी को पहले वॉश करते हैं, ठीक, वॉश हो गई गाड़ी, वॉश करने के बाद हम प्रॉपर क्लीन करते हैं, ठीक, जो भी इस पे डस्ट पार्टिकल होता है उसे क्लीन करते हैं, उसके बाद आईपी से क्लीन करते हैं, आईपी से क्लीन करते हैं, आईपी से क्लीन करने के बाद फिर हमारा रैप का प्रोसेस रहता है, ठीक। अच्छा भैया रूफ ब्लैक करने में हमें कितना टाइम लग जाता है, आपकी गाड़ी का रूफ करना है, ऐसे कोई गाड़ी आती है हैचबैक और सिर्फ रूफ करना है 14 मिनट, ठीक है, अभी रैप हम कौन सी यूज़ करने वाले हैं, टेंशन का रैप यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, तो बाकी वीडियो में आगे दिखाई देंगे रैप, चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अपना जो है रैप का प्रोसेस हो रहा है स्टार्ट, यहाँ पहले हमने लिए मेजरमेंट की कितनी हमारी जो है रूफ़ रहेगी, उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना रैप को भी हम यहाँ पे करेंगे कट। तो भैया रूफ़ कितनी है इसकी, 5.5 फुट, स्विफ्ट वगैरह में इतनी आती है, इतनी है, ठीक है, सेम है, ठीक है, तो भैया 5.5 फिट, ठीक है 5.5 फिट अपनी जो है रूफ़ रहने वाली, जिसको हम यहाँ पे करेंगे रैप, और ये अपनी रैप रहने वाली है एविडेंशन की, इसको भी थोड़ा इस टाइम पे थोड़ा उल्टा हो रखा है दिखा देता हूँ, एविडेंशन वो ये साइड वगैरह लिखी हुई है, तो यहाँ पे अपनी रैप का मेजरमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे अपनी जो है रैप आती है 3 लेयर में, तो इसका ऊपर का पार्ट है, ये ऊपर की लेयर इसकी यहाँ पर हो गई है अलग, इसके बाद इसकी नीचे की लेयर भी होती है उसको भी हटाएंगे, ये गया, ये हुई अपनी रैप को निकालना स्टार्ट, इसके बाद जो है हम जाएंगे सीधा अपने, मैं ये पकड़ लेता हूँ, ये की थोड़ी हेल्प कर लेते हैं, रैप निकालने के बाद जो है अब इसको
चलो जल्दी। सो यहाँ पे जो है अपनी रैप का प्रोसेस हो गया है स्टार्ट। देख रहा हूँ गाड़ी की लुक ही जो है रैप करने के बाद पूरी होती है चेंज। यहीं से आपको दिख रही होगी लुक अभी से गाड़ी की। साइड प्रोफाइल से आपको चेक कराता हूँ। गाड़ी की रूफ ब्लैक करने के बाद गाड़ी की जो लुक है ना मतलब डिफरेंट हो जाती काफ़ी हद तक। देख रहा हूँ जो कि हमारे साइड मिरर से भी हमारी छत हमारी मैच करने वाली है। साथ में हमारे जो है पिलर हो गए या पैनल्स है सारे हमारे ग्लॉस ब्लैक में ही है तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये रूफ काफ़ी ज़्यादा जो है मैच जो है करेगी। यहाँ पे रूफ तो अपनी रैप हो ही रही है साथ अपनी गाड़ी भी जो है पूरी भैया क्लीन करवा ही रहे हैं। और रैप देख लो और साथ साथ हम जो पीछे का पोर्शन है ये जो स्पॉइलर के ऊपर नीचे का है इसको भी हम करेंगे यहाँ पे रैप पूरा। लेट्स सी कितनी देर लगती है इसको रैप होने में। यहाँ पे हो रही है अपनी कटिंग ये वाली पार्ट हमने काट दिया है। रूफ की रैप कंप्लीट हो गई है पीछे स्पॉइलर वाले पार्ट में भी होनी बाकी है। तब तक मैं आपको गाड़ी पे चेकआउट कराता हूँ किस तरह जो लग रही है इस टाइम डुअल टोन में गाड़ी। रूफ पूरी ब्लैक है काफ़ी हद तक गाड़ी की लुक अच्छी लग रही है इसको लगा के। और इसके बाद जब स्पॉइलर लग गया ना तो उसकी लुक एकदम नेक्स्ट लेवल की यहाँ पे लगेगी। ओके यहाँ पे भैया रूफ पे काम कर रहे हो नहीं आएगा इधर नहीं आएगा तो कुंदन भी यहाँ पे तो हमारी जो है मतलब जिसे कहते हैं बाहर ऑलमोस्ट थोड़ा मोटा काम बच गया वो हम बाद में कुंदन भी और साथ में जो दिखाएंगे आपको। इससे पहले आपसे पूछना होगा एक नॉर्मल रूफ रैप करने में कितना टाइम लग जाता है। देखो नॉर्मल अगर हैचबैक गाड़ी है आपकी जैसे कार है उस टाइप की अगर कार होती है तो 40 मिनट अराउंड लगता है जितना काम आपकी कार में हो उसमें। ठीक और इसका चार्ज होता है मेरे लिए 2500 जो आपके कार में रैप हमने कराया सिर्फ वाले रूफ। रूफ में कई सारे कस्टमर आ जाते हैं कंफ्यूजन से बोलते हैं कि आपने बोला था 2500 पिलर पूरा करवाएगा तो उसके चार्जेस अलग है लेकिन अगर खाली रूफ करवाता है तो उसके 2500 रुपए चार्जेस है वही जो हमने अपनी गाड़ी पे आज करवाया है। अच्छा इसकी कुछ गारंटी वारंटी भी होती है हमारे पास रूफ रहेगा 3 इयर्स गारंटी है। 3 साल में अगर आपको कहीं से अगर 3 साल बाद या 5 साल बाद में उतारते हो कभी अगर आप पेंट वहाँ से हार्म करता है पेंट लेकर उतरते हो उसकी गारंटी मैं पेंट करके दूंगा आपको। अगर लो सुन लो भाई अगर इनकेस अगर आप अपनी रूफ जैसे ब्लैक कराते हो या पूरी गाड़ी ब्लैक कराते हो और वो अगर भैया नहीं कलर कोई भी कोई से भी करा लो और अगर फ्यूचर में उसको हटाते हुए आपकी गाड़ी का अगर पेंट निकलता है तो भैया तो पूरी गाड़ी पेंट करके दे देंगे और पूरी गाड़ी में भी करता हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको कभी भी उतरवाना हो रोड पे उतरवाना या रैप में से करवाना रैप का भी उतरवाना हो तो आप मेरे से थोड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट बता दूंगा कोई इशू नहीं कोई चार्ज नहीं कभी भी आप 10 साल बाद में उतरवाते हो। चलो भैया से अगर आप रैप करवाओ तो पूरी गाड़ी रैप करवाते हो चाहे तो छत रैप करवाते हो तो भैया कह रहे हैं कि जैसे आप रैप करवाते हो रैप उतारा उतारनी है तो रैप उतरवाना है भैया के पास जो फ्री ऑफ कॉस्ट भैया रैप उतार दी कोई इशू नहीं। ठीक है और अगर इनका अच्छा भैया एक चीज़ और अगर कोई बेकार सी रैप अगर यूज करता है तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं। देखो अगर कोई विनाइल यूज करता है अगर अच्छा रैप यूज नहीं करता उसका साइड इफेक्ट ये है वो आपको पेंट का काम करता है जब भी आप रैप उतारोगे तो उसको पेंट के लिए उतरेगा और नहीं तो कुछ टाइम बाद जैसे धूप वगैरह तो पेंट के साथ पेंटिलेट कर जाता है। अच्छा वो पेंट के साथ चिपक जाता है आप उसे कितना भी उतारो खुदते रहो कुछ नहीं हो सकता उसके एक ही राजा रिपेंट। अगर आप एवरी डे से रैप कराते हो हाँ। तो रैप में आप 5 से 10 साल बाद भी उतारोगे चाहे धूप हो या कुछ भी हो अच्छा, तो आपको पेंट काम नहीं करता। चलो भाई ये चीज़ अच्छी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई बंदा रैप कराता है तो एक तरह से पेंट प्रोटेक्ट भी रहेगा पेंट प्रोटेक्ट रहता है ये भी सही है। चलो यहाँ पे हमने करा ली अभी रूफ फ्लैट अभी मैं आपको बाहर ले जाऊँगा गाड़ी पे और दिखाऊंगा कितना काम जो रह गया है और कितने जो है जो भी आगे दिखाता हूँ। सो यहाँ पे कुंदन भी हमारी रैप होगी पूरी तरह कम्प्लीट तो पहले मैं अपने भाइयों को एक बार इसका लुक चेकआउट कराता हूँ आप लोगों को कमेंट करना है और बता रहे हैं गाड़ी कैसी लग रही है ना भैया आपको कैसी लग रही है पर्सनली। बहुत अच्छी लग रही है सही लग रही है ना अब इसका स्पॉइलर जब लग जाएगा पेंट होके तो मेरे ख्याल से और लुक आएगी एक्चुअल लुक। हाँ अच्छा भैया अब हमने जैसे रैप करी दी है तो हमने पीछे का पार्ट पूरा किया एक बार हमारे व्यूअर्स को आप दिखा दो अपने आप से कि भाई हमने पूरी रैप साइड पे कर दी ये हमारी कटिंग है ये हमने इसको रैप कराया ठीक। और अगर इनकेस अगर आपको लग रहा है ये क्या है तो ये हमारे स्पॉइलर के पॉइंट्स हैं। ये स्पॉइलर के पॉइंट हमने अभी छोड़ा हुआ है ताकि कोई पानी वानी एंटर ना करे है ना पानी अंदर ना करे उसके
भी हमने इसको कट नहीं करा, जो हम स्पॉइलर लगाएंगे तो इसको कट करेंगे, ठीक है। और भाई यहाँ पे आप चेकआउट कर लो, ये पीछे की लाइट वाला पार्ट है, ब्रेक लाइट है बेसिकली, इसके पार्ट का ही भी पूरा ब्लैक बड़े अच्छे से किया, फिनिशिंग बहुत प्यारी से जो है इसमें दे दी है। ऑल दो गाड़ी इस टाइम पे लग रही है बढ़िया। अभी आपको कैसी लग रही है गुंडे गाड़ी? बहुत अच्छी लग रही है, और तो भी मैंने बोला था आप इसको में रखो। हाँ लोडो में चलेगी। और एक चीज़ और बोली थी आपने भैया, हम अपने व्यूअर्स को बता रहे थे, जैसे आपने बोला था ये साइड वाले जो पैनल थे जो लोग कहते हैं डुअल टोन पूरी गाड़ी को बनाने के लिए, इस पिलर को भी कहते हैं करने के लिए। मैं जो बता रहा था आपको, जो जैसे आपकी कार में रखा है ये रूफ, हाँ ये रूफ जो कराते हैं इसको बोलते हैं हम रूफ, ठीक है। ये आ जाते हैं साइड के पिलर हो, ये पिलर हो गए सारे, ये जो बता रहा था 2500 सिर्फ इसके लिए है ना भैया, पीछे के लिए, ठीक है। अच्छा भैया एक चीज़ और पूछूं, 25 रूफ के लिए और ये जो पीछे का पार्ट है ये जो ये साथ में इंक्लूड है ना, ठीक है। और आप बता रहे थे ये पीछे और ये नीचे, अगर कोई मेरे डुअल टोन में कराता है तो इसको अगर पिलर करते हैं इसको बोलते हैं डुअल टोन, ठीक। इसके बाद भी आता है कि कोई कहता है कि ए पिलर बी पिलर सी पिलर, ए पिलर बी पिलर, चार्ज अलग हो जाता है, इसके चार्ज फिर अलग है कस्टमर। अगर हमारे पास आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने कई सारे मेरे पास कंटिन्यू आते हैं कहते भैया आपने वीडियो में बोला था रूफ, तो मैं वही चीज़ मैं परेशान रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, रूफ मैंने बोला था बिल्कुल, बट रूफ ये बोला था, ये रूफ नहीं बोला था, ठीक है ठीक है। तो भाई बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि ये रूफ है हमारी, पर ये रूफ का पार्ट नहीं होता, ये हमारा बेसिकली पिलर होते हैं बेसिकली, देख रहे हो पूरा पिलर पीछे तक होता है। अच्छा भैया, अच्छा भैया आप एक बात बताओ, आपने मुझे बोला सजेशन दिया था कि आप रूफ ब्लैक करा लो लेकिन साइड के पिलर रहने दो, है ना, तो गाड़ी आप क्या कह रहे हो, रूफ ब्लैक कलर की अच्छी लग रही है वो नहीं होता, हाँ हाँ हाँ, मजा नहीं आ रही है, ठीक ठीक। अगर इसको नॉर्मल हो जाती है, चलो ये भी सही कह रहे हैं। बाकी भी ये मैच सही कर रहा है हमारा, जैसे साइड मिरर हमारे ग्लॉस में है, हमारे ग्लॉस साइड बीडिंग पूरी ग्लॉस में है। मैं सोच रहा हूँ भैया फ्यूचर में इस पार्ट को भी हम हाइड्रो डिप कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, अभी वो भी हाँ बहुत सारे प्लान्स हैं अभी आगे, उसके बाद सारा पार्ट भी जो हम करेंगे आगे वीडियो में। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये अपने भाई लोग हैं सारे, देखते इनको पता है कि करवाऊंगा ही करवाऊंगा कुछ ना कुछ। चलो तो विद दैट सेट, यहाँ प्राइसिंग वगैरह हमने आपके साथ पूरी की पूरी शेयर कर दी है, यहाँ पे हमारी रूफ रैप हो गई है पूरी तरह कंप्लीट, ठीक है। प्राइस वगैरह हमने हर एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दी है। अच्छा भैया अगर यहीं में अगर अपनी गाड़ी पूरी रैप करवाता आपसे तो इसके कितने चार्जेस लग जाते हैं? तो हमारे पास डिपेंड करता है कलर आप कौन सा ले रहे हो, कलर के ऊपर आप ग्लॉस में हैं, मेरे पास बहुत सारे शेड है, आप देखो आओगे तो मैं बहुत सारे दिखाऊंगा, मैं बहुत सारा डिस्प्ले लगेगा, ठीक है। अगर आप ग्लॉस में जाते हो हाँ, वो उसका अलग चार्ज है, अगर आप क्रोम में जाते हो उसका, मैट में जाते हो उसका, तो सबका अलग अलग प्राइस है, सबका अलग अलग। नॉर्मल हैचबैक गाड़ियों के 18,000 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 18,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है हमारी रैप, ठीक है। अच्छा आपकी क्वेश्चन बता रहा, अगर किसी पर ज़्यादा डेंट वगैरह है तो अलग से डेंट पर चार्जेबल होगा, हाँ भाई। अगर नॉर्मल चीज़ हो तो देखो मैं इससे कई बार बोलते हैं कि आपने बोला था वो सारी चीज़ें, मैं इन चीज़ों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो मैं एक चीज़ आपकी जगह बता रहा था अपने व्यूअर्स को, भैया ये कह रहे हैं कि जैसे कि आप अगर अपनी गाड़ी पे PPF कराते हो चाहे तो रैप कराते हो ना भैया, आपको अपनी गाड़ी के पहले डेंट निकालने पड़ेंगे ना, क्योंकि अगर आप डेंट नहीं निकालते हो तो क्या होता है, जो रैप चढ़ाते हो ना वो रैप टेढ़ी मेढ़ी होती है, ढंग चढ़ेगी भी जो निकलेगी, ऑडिबन दिखता है, ऑडिबन दिखता है रैप के साथ साथ ना भैया, तो और सारे मेरे पास ही हो जाता है, अगर कोई चाहता है कराना मेरे साथ इमेंट, चलो मैंने के लोग आई करता हूँ सर भैया का, तो हमारे वन मन एक जगह पे आप आते हो सारे काम, मतलब सिर्फ मैकेनिकल काम नहीं करता मैं, मैकेनिकल छोड़ के आप एसेसरीज आइटम हो, डेंटिंग पेंटिंग सरान कोटिंग इंटीरियर स्कर्टर सारी चीज़ें, इंटीरियर कोटिंग कराना हो आपके, एक्सटीरियर कोटिंग कराना हो, ग्राफिन कोटिंग कराना हो, सारे चीज़ यहाँ पे हो जाए, ठीक है। भैया का मेन मोटो ये था वो बताने का कि अगर अगर आपकी गाड़ी में डेंट है और आपको रैप भी करानी है तो भी आप भैया के पास आ सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, भैया पहले उसका डेंट ठीक करवाएंगे उसके बाद उसको रैप करेंगे, और सबसे बढ़िया बात 18,000 से गाड़ी में हमारे पास रैप का जो कॉस्टिंग 18,000 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक। उसमें आपको डिपेंड करता है क्या क्या ले रहे हो, आपको ग्लॉस में अगर जाते हो तो ग्लॉस में आपको हमारी 18,000-20,000 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मैट भी 18,000 से, क्रोम में जाते हो तो उसके चार्ज क्रोम के चार्जेस ज़्यादा है ना, यहाँ पे 18,000 से भैया ने बोला रैप स्टार्ट है, और जो रैप करेंगे वो भी अच्छी क्वालिटी की है, एवरी डेंस आपने मेरी रूफ की रैप में देखा था ना भैया। चलो भाई आज के लिए इतना ही था, अच्छा भैया अपना एक बार फोन नंबर बता दो, मेरा शोरूम जो पड़ता है पालम डब्ल्यू रोड पर पड़ता है, द्वारका सेक्टर 1A में आता है, नियर दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9811667475, ठीक है। और बाकी ये स्क्रीन पे भी नंबर आ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, इनकेस अगर आप आपको भैया से जो है कांटेक्ट करना है तो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मेरा इंस्टा ID ऑटो स्टाइल डेली, उस पर काफ़ी सारे ऑफर चलते रहते हैं, हमेशा स्टोरी वगैरह चलते रहते हैं, हाँ जैसे जैसे सीखना होता है उसे उस ऑफर ऑफ ऑफर भी आते रहते हैं। और भैया एक चीज़ और बताऊँ, एक चीज़ और बताया था,
हम जो है बहुत जल्दी जो है सिरेमिक कोटिंग भी जो है हम गिव अवे करने वाले हैं। सिरेमिक कोट भी जो है गिव अवे होने वाली है, तो मेक श्योर आप बिल्कुल अपडेटेड रहे। उसका एक दो वीडियो में आपको जो पता लग जाएगा, मे बी स्पॉइलर की वीडियो में बता दें। बाकी इतना ही था आज के लिए। भाई को आता है और कौन सा सिरेमिक कोटिंग जो हम प्रॉपर गाड़ियों करते हैं प्रॉपर डिटेलिंग के साथ सारे इंजन डिटेलिंग एक्सटीरियर इंटीरियर। ऐसा नहीं होगा कि हम गिव अवे कर रहे हैं तो उसमें कम काम करेंगे। जो हम काम करते हैं उसे ज्यादा करके देंगे लो भाई। और ये ना और अच्छी बात बोल रही, जितना नॉर्मल करता हूँ उससे अच्छा ही करके देंगे। चलो भाई यही था आज के लिए वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जरूर दबाना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे आपको और वीडियोस के। चलिए मिलते हैं कुंदन भैया के फ्यूचर में और वीडियोस पर। टिल देन बाय।